हमने सीखा। पहला, तत्वों को धातु, अधातुओं एवं उपधातुओं में बांटा जा सकता है। दूसरा, अधातुएं ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। तीसरा, धातुओं की अपेक्षा अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। चौथा, एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। पांचवा, कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। छठवां, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। सातवां, प्रकृति में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस के रूप में मिलती हैं। आठवां, अधातुएं तथा धातुएं आपस में अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक बनाती हैं। नौवां, अधातुएं आपस में अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। दसवां, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाइड्रोजन धनायन प्रथम समूह के तत्वों के समान तथा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन ऋणायन 17वें समूह के हैलोजन तत्वों के समान बनाती है। ग्यारहवां, हाइड्रोजन धात्विक ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित करती है। बारहवां, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं 200 वायुमंडलीय दाब पर लोहा उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्साहक की उपस्थिति में अमोनिया बनाती हैं।